अब एक साल मुकम्मल होने को है जब इंडिया ने अपने तौर पर कश्मीर के डिस्प्यूटेड स्टेटस को बदलने की कोशिश की यूनिलैटरली अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स, अगेंस्ट फोर्थ जनेवा कन्वेंशन, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। अब उसके पीछे एक खास हिकमत अमली थी और मौरख जब कश्मीर के बारे में अपने मालूमात को कलमबंद करेगा तो हिंदुस्तान का एक स्याह चेहरा हमेशा नजर आता रहेगा। कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट हैसियत थी, उस हैसियत को तब्दील करने के लिए उसने मुख्तलिफ मेजर ली, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की जो कि बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको वेट नहीं किया और उसके बाद फिर नया न्यू डोमिसाइल लॉ जो उन्होंने इम्पोज किया उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरीके से कश्मीर की जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए और कश्मीर के वो लोग जो कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते उनको कश्मीर में लाया जाए, उनको बसाया जाए, डोमिसाइल दिया जाए, लोकल लोगों को जॉब से महरूम किया जाए और जब लोकल मुस्लिम्स की जो कि 80% में प्लस मेजॉरिटी थी जब माइनॉरिटी में हो जाएंगे तो फिर वो यूएन के सामने जाएंगे कि वो जो यूएन के सामने जो इशू ये लाया गया था कि प्लेबिसाइट किया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए उनकी राय ली जाए, तो जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट होगी तो वो उस केस को वीक करना चाहता है जो कि एक प्रिंसिपल स्टांस था पाकिस्तान का और कश्मीरियों का। तो लिहाजा ये दिन हमें इस बात की को फिर हम एक लिहाज से एक उसकी तजदीद अहद कर रहे हैं कि हमारा कश्मीर के साथ ताल्लुक शहरक का है और जब तक हम कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना आखिरी कतरा भी खून का वक्फ ना करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे।